हाय फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। हम बात कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। हर तरह के पैसिव वॉइस मैंने आपको बता दिए थे, टेंसेस के पैसिव वॉइस, मॉडल्स के पैसिव वॉइस, और मैंने पैसिव वॉइस के कुछ एडवांस रूल भी बताए थे, प्रपोजिशनल फ्रेजेस से लेकर जिसमें प्रपोजिशन अलग यूज होता है, बाय का यूज हम नहीं करते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आपको पैसिव वॉइस सिखाने जा रही हूँ, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह हेडलाइंस वगैरह जो होती है उसमें भी बहुत यूज होता है इसका। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, जिसमें हम कोई कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट इस टाइप से देते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, शट द डोर, ओपन द विंडो। और सबसे बड़ी चीज, ये एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टेंसेस में, स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में मैंने थ्री टाइप्स बताए थे आपको, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस टाइप से बताया था। लेकिन ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैंने आपको किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर टेंसेस में बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही बताया था। लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। एक्चुअल में इसमें हम सब्जेक्ट बोलते नहीं है, क्योंकि हमको पता होता है सब्जेक्ट कौन होगा। जैसे हम इसमें सामने वाले पर्सन या जो हमारे पास वाला पर्सन होता है उससे ही कुछ बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, शट द डोर, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो पर्सन होगा, ठीक है, जैसे पर्सन है मैं उसी को ही बोलूंगी, मतलब इसमें यू हाइड रहता है, यू शट द डोर, एक्चुअल इसका ये है। लेकिन हम सब्जेक्ट का इधर यूज नहीं करते हैं, यू शट द डोर, तो यू का हम यूज नहीं करते हैं। इसमें किसी और के बारे में नहीं कहा जाता, हम आपस में ही जितने लोग वहां पर होते हैं उनके बीच ही कन्वर्सेशन होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट को हम हाइड रखते हैं और सब्जेक्ट केवल यू ही इसमें होता है। शट द डोर, यू शट द डोर, हेल्प मी, मतलब अगर वहां पर कोई है तो प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, या फिर मैंने कोई पर्सन देखा, मैं किसी ट्रबल में हूँ और मैं उसको कह रही हूँ प्लीज हेल्प मी, तो मैं यहाँ पर मुझे यू लगाने की जरूरत नहीं है, प्लीज यू हेल्प मी। इसी टाइप से इसका इस बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो केवल क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है। तो ये तो बात हो गई इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, लेकिन इसके पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ दो मेन पॉइंट लिखे हैं जो आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिए। डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया और इसका मैंने रीजन भी बता दिया था, इसमें सब्जेक्ट हाइड के रहता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं वर्ब से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पैसिव वॉइस में एक बात बताई थी, जिनका ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं का पैसिव वॉइस बन सकता है, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसका मतलब होता था कि ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जब मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब में मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता है, मतलब उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब ही ऑब्जेक्ट पर फोकस होना, ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होना। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब के तो पैसिव वॉइस बनते ही है जैसा हर में होता है, बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब के भी पैसिव वॉइस बन जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पर मैं केवल ऐसे ही सेंटेंसेस की बात करूंगी जो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिनमें इंट्रांजिटिव का यूज नहीं हुआ है, उसके बाद मैं बात करूंगी इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप पढ़ते आए जिसमें हर में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट जिसमें है डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद, और उसमें हमारा ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, कैसे पता चलेगा। ऑर्डर कह लीजिए या कमांड एक ही बात होती है, इसलिए मैंने यहाँ कमांड नहीं लिखा। एडवाइस कह लीजिए या सजेशन एक ही यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि कमांड हम किसी को कर रहे हैं, मीन्स हम कह सकते हैं हम उसे ऑर्डर भी दे रहे हैं, और अगर हम एडवाइस करें तो सजेशन दे रहे हैं कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ तीन चीज का ही यूज किया है, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आप चाहे तो यहाँ सजेशन भी लिख सकते हैं, कमांड लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने क्या बताया था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल भी कितने
ओपन द डोर, डू नॉट हेट द पुअर, तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बस उसमें इतना ही होता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर ये तो अफर्मेटिव हो गया, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें नॉट का यूज कहाँ होता है, नॉट का यूज इसमें डू लगकर नॉट का यूज होता है, डू नॉट। एक्चुअल में इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक तरह से रूल फॉलो हो रहा है। अगर यह सब्जेक्ट और होता है यू होता है यू डू नॉट हेट द पुअर, लेकिन क्योंकि इसका कमांड के तरीके से देते हैं, इसका कर्तातीत नहीं लगता, गरीबों गरीब से नफरत मत करो, हम किसी को बता रहे गरीब से नफरत मत करो, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये होते हैं डी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, मैं इसमें दो तरीके होते हैं एक सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने से। बुक में कभी कभी एक ही दिया जाता है, या मैं आपको हर सेंटेंसेस के जितने भी तरीके से बन सकता है मेथड से सबका बनाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया अभी ये और करके लिखा है, या तो ये या तो वो, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या जो भी जनरली स्कूल के एग्जाम होते हैं दोनों ही तरीके से उसमें आ सकता है, तो आपको दोनों ही तरीके से पहचानना आना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करें, इसका होता है पैसिव वॉइस, इसमें लेट से शुरू होता है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ। जब एक वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है इंपेरेटिव में तो उसका आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, लेट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, इसके बाद यहाँ पे लगता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये कैसे वो हो गया, जो अभी तक आप पैसिव वॉइस पढ़ते आए उससे कोई डिफरेंट नहीं है, कैसे मैं बता दूं, बस एक चीज डिफरेंट है, यहाँ लेट का यूज हुआ है, उनमें लेट का यूज नहीं होता था, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते थे। तो अगर हम लेट को इधर हटा दें, लेट तो हम लिख ही देंगे, ठीक है, लेट तो आप लर्न कर लीजिए कि लेट इसमें लगेगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट के बाद वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती थी, तो बी भी तो इज आर एम वॉज वर्ब, इसी का ही पार्ट है ना, बी क्या होता है, वी मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो उसकी जगह डायरेक्ट हम बी यूज करते हैं, और उसके बाद नेम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी, यही होता था ना, और सब्जेक्ट इसमें हम लिखते नहीं है, यही होता था आपका, तो यही है बिल्कुल, कोई घबराने की बात नहीं है, मैच करवा ही दिया आके, ठीक है। और इसका दूसरा भी मेथड होता है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो सबसे पहले फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं, शायद आपको ये बहुत ऑड लग रहा होगा लेट कहाँ से आ गया, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल कोशिश करिए समझने की। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, अच्छा सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, जब भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर आए तो आपको पहले लेट लगा देना है सामने, तो हमने लेट लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद बी आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपेंड, हो गया। चलिए एक और देखते हैं, ये वाला मैं आपको भी बताऊंगी, डू नॉट हेट द पुअर, गरीब से नफरत मत करो, ठीक है। और इसमें हम हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव में, जब भी नोट लगाना होता है तो वर्ब से पहले डू नॉट लग जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। अब इसका कैसे बनता है, इसमें भी लेट लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है नेगेटिव में तो हमें नॉट भी यूज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में नॉट है तो उसमें नॉट का यूज करेंगे, तो इसमें मैं बताती हूँ, सबसे पहले बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है पुअर, बस इतना तो आप करते ही थे, इसमें आपने किया था, और अगर इसमें नॉट नहीं होता तो आप क्या लगा देते, बी का यूज करते हुए हेट, यही लगा देते, लेकिन इसमें नॉट लगता है हमारा बी से पहले, ये बात आप ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में बी से पहले हमारा नॉट लगता है, आगे बात समझ। अब सेकंड टाइप से ही कैसे बन सकता है, क्योंकि हमें सारे टाइप पता होने चाहिए ना मेथड, ओपन द डोर, देखिए अब हम इसमें कैसे पहचाने, जब ऑब्वियसली ओपन द डोर मतलब हम किसी को ऑर्डर ही दे रहे हैं ना, या कह लीजिए आप कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ओपन द डोर, अब इसलिए हम इसमें ऑर्डर दे रहे हैं तो उसका दूसरा तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं यू आर, मैंने आपको बताया था इसमें यू कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें यू हाइड रहता है, जब भी हम किसी सामने वाले से कहते हैं तो हम यहाँ लिखते नहीं है यू ओपन द डोर, यू डोंट हेट द पुअर, यू हमें अंडरस्टूड होता है कि हम अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं, इसमें किसी और से बात नहीं की जाती, जो उस समय अवेलेबल होते हैं, जैसे लेट्स डू पार्टी, अपने को लेके बात इसमें करी जाती है सामने वाले से, या फिर इस तरह से इसमें बात करी जाती है, ओपन द डोर, जो ठीक है जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लेकिन इंपेरेटिव में ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, लेट हिम गो,
उसमें हम लेड कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, घबराइए मत। अभी मैं केवल यहाँ पर वो बात कर रही हूँ जो वर्क से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। आपको ऑर्डर दिया जाता है डोर खोलने के लिए। क्या इसका होता है स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट होती, ठीक है, यहाँ पर स्टेट होती जैसे प्लीज, अगर मैं यहाँ पर लगा देती प्लीज प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर नहीं लिखती, यहाँ पर क्या लिखती, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अगर मैं किसी को एडवाइस दे रही होती जैसा मैंने स्मेट दिया, तो मैं क्या लिखती, यू आर एडवाइस टू, ठीक है, इस तरह से मैं लिखती, यानी कि यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। और इसमें हम मेन टू का यूज करते हैं, और आपको पता है टू के बाद इसमें थर्ड फॉर्म मत लगा देना, टू ओपन द डोर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। आपको पता है ना टू के बाद, टू मतलब इन्फिनेटिव का यूज, और इन्फिनेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, टू के बाद कभी भी कोई और फॉर्म यूज नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर में ओमिटिंग में ये सब आता है। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, बस यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज, इस टाइप से आपको लिखना है, और टू का यूज करते हुए एज इट इज बस सेंटेंस को लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप बोलोगे पैसिव वॉइस का मतलब, मैम आपने बोला था इसका तो मतलब ही होता है थर्ड फॉर्म का यूज होना, इसके बिना पैसिव वॉइस बन कैसे गया फर्स्ट फॉर्म से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म का यूज तो यहाँ भी किया है, ऑर्डर्ड में है, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का यूज हो गया है, तो हम दोबारा थर्ड फॉर्म का यूज क्यों करेंगे इस वजह से। तो आप ये मत कहिएगा अरे मैम ने तो बोला था कि थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और खुद या फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली, थर्ड फॉर्म तो आ ही गई ना, यहाँ पर हमने यू आर ऑर्डर्ड क्यों लिखा, यही पैसिव वॉइस आपका शो करना है। तो ठीक है, आपको समझ आ गए होंगे इसके दो मेथड। अब मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ, इससे आपको लेट वाला तो आई गया था क्योंकि ये नॉट वाला है। अब इसमें नॉट कहाँ लगेगा, इसमें तो नॉट बी से पहले लगता था। अच्छा, डू नॉट हेट द पुअर, पहले आप ये पहचानिए ये क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। रिक्वेस्ट में आपका प्लीज जरूर लगा होगा, ठीक है, ज्यादातर प्लीज दिया जाएगा, बट एक्सेप्ट एक आध सेंटेंस के अलावा जिसमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट हो रही होगी, जैसे हेल्प मी। हेल्प मी का मतलब क्या, हम किसी को कमांड नहीं देंगे, हम किसी को एडवाइस नहीं देंगे, ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट ही कर रहे होंगे। आप किसी ट्रबल में आ गया, हेल्प हेल्प, इसका मतलब क्या होगा, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। वरना इसके अलावा समय प्लीज या काइंडली, ये दो वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब सेंटेंस में रिक्वेस्ट ही है, आपको देखना ही नहीं है इसमें क्या है, रिक्वेस्ट ही है। डू नॉट हेट द पुअर, इसमें क्या है, आप एक किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, कि इनके सब गरीब से नफरत मत करो भाई, वो भी तो इंसान ही होते हैं। तो आप किसी को एडवाइस, तो हमने क्या लिखा, यू आर एडवाइज, अगर यह नॉट नहीं होता टू हेट द पुअर, ये तो सिंपल हो गया। और अगर नॉट होता है तो टू से पहले हम नॉट लगा देते हैं, जैसे या बी से पहले लगाते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड टू, नॉट टू हिट द पुअर, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप क्यों बताई है, दोनों ही सही है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सपोज करिए ये सेंटेंस दे दिया गया, इसके फोर ऑप्शन आ गए, ठीक है, और आपको केवल ये वाला पता है, और फोर में से एक ये ऑप्शन आ गया, तो आप तो नन ऑफ दीज भी उस पर लगाया होगा कि ये तो होता ही नहीं है, केवल लेट से स्टार्ट होने हैं ये तो सेंटेंस नहीं, इसमें ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको सारे मेथड बताए हैं। तो आ जाइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और ऑब्वियसली मेरे लिए पानी लाओ, ठीक है, ये ऑर्डर ही हो रहा है, और ऑर्डर हमेशा बड़े छोटे को करते हैं। अगर हम अपने बड़ों से कोई बात करेंगे तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे मेरे लिए पानी, मैम क्या बोलेंगे, अरे प्लीज मेरे लिए एक पानी ले आइए, प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए सर, प्लीज मैम, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, इसलिए वहां ऑर्डर ही मान लीजिए, और ना ये एडवाइस है, ये किसी को कोई एडवाइस नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम एडवाइस दे सके, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी समझ आ गया। अच्छा, अब लेट से भी बना लेते हैं उसको, भाई दोनों तरीके से आना चाहिए, तो लेट, लेट के बाद ये पूरा का पूरा क्या है, ऑपोजिट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ब्रॉड कैसे आ गया, क्योंकि यह थर्ड फॉर्म आती है,
और इसमें थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी ऑर्डर्ड एडवाइस और रिक्वेस्ट में थर्ड फॉर्म लिख देते, तो बार बार नहीं लिखते। ये दोनों मेथड आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हर तरह से सेंटेंस बताऊंगी। रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, बड़ों का सम्मान कीजिए। तो ये क्या हो गया, एक एडवाइस हो गई, एक एडवाइस हो गई। हम जब भी किसी को मॉरल वैल्यू के बारे में कुछ भी बताते हैं ना, तो वो जनरली 90% एडवाइस ही मानी जाती है, ठीक है। जब भी हम मॉरल वैल्यू किसी को बताते हैं, ये एक मॉरल वैल्यू की हमने बात कर ली, ठीक है, किसी का मॉरल सिखा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, एडवाइस। तो यू आर एडवाइज टू रेस्पेक्ट द एल्डर, ये वाले तो बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी हो सकता है, जब आप केवल वो एडवाइस में होगा, किसी और में नहीं हो सकता। शुड का यूज ना ऑर्डर में हो सकता है, ना रिक्वेस्ट में हो सकता है, केवल एडवाइस या सजेशन में ही हो सकता है। इसका एक और तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से आपका आ सकता है। अगर आपका ये सेंटेंस दे दिया और सपोज आपको ये वाला उसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन ये वाला दिया, एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, तो आप तो सोचोगे मैं नन ऑफ दीज पे कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्योंकि इसमें तो ये वाला है ही नहीं, और इसमें तो शुड है, और शुड तो मैम ने कहीं बताया ही नहीं है, इसका मतलब शुड तो आता नहीं है। नहीं, शुड आता है, लेकिन केवल एडवाइस और सजेशन में। यू आर एडवाइस टू रेस्पेक्ट द एल्डर, ये समझ आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, एल्डर्स हमने लगा लिया, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। और शुड, शुड के साथ मैंने मॉडल वर्ब अभी लास्ट वीडियोस में ही आपको बताया है, मॉडल वर्ब से पैसिव वॉइस भी बताए हैं। तो पैसिव वॉइस जब मॉडल वर्ब के होते हैं तो उसमें क्या लगता है, क्या लगता था, उसमें वी का यूज जरूर होता है ना, और थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसको हम मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन केवल एडवाइस और सजेशन को। एल्डर्स शुड बी और रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। तो ये आपके हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये मैंने ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं जो मेन वर्ब से और ऑब्जेक्ट जिनमें केवल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें हायर होता है, सब्जेक्ट मतलब हर में यू ही होता है, इसलिए तो हमने या पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट शो कर दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इस टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो वर्ब से तो स्टार्ट होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन उनके बीच में उनमें नॉमिनेटिव केस आ जाता है। देखिए, वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में क्या आ गया, नॉमिनेटिव केस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसमें भी हम लेट से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर शुरू में पूरा सेम रहेगा, बस टू का यूज करते हुए केस लग जाएगा। आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ और कंपेयर भी करवाती हूँ सेंटेंस। बिल्कुल अभी जो हमने पढ़ा था, लेट का यूज करते हो, जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया था, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का लेट का यूज करते हो पैसिव वॉइस बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। शो मी योर टीथ, मुझे अपने दांत दिखाओ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ऐसे था, इसमें मी नहीं था, ठीक है, ये जो मी है इसमें ये नहीं था। मैंने आपको बताया था शो योर टीथ, तो फटाफट बना देते थे, लेकिन इसमें मैंने बीच में मी यानी ऑब्जेक्टिव केस लगा दी। ऑब्जेक्टिव केस जैसे यस, अस, मी, हिम, हर, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, बिल्कुल आप पहले ये छिपा लीजिए, सबसे अच्छी ट्रिक है, ठीक है, बिल्कुल। और शो योर टीथ का तो आपको आता है, जैसे ओपन द डोर का लेट द डोर बी ओपन, तो लेट योर टीथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहता था बी शो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका क्या होगा, टू का ऐड कर देंगे हम, टू का यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव केस को एज इट इज लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, लेट योर टीथ बी शोन टू मी। अब सेकंड सेंटेंसेस की तरफ, दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, उसमें भी बी वन और ऑब्जेक्ट ये तो होगा ही, लेकिन उसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, साथ में इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिट का मतलब टू का यूज करते हुए, जब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद यूज होती है, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें भी लेट ऑब्जेक्ट बी वी थ्री, ये तो सेम रहेगा ही, लेकिन इसमें इन्फिनिटिव एज इट इज लग जाएगा। ये भी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। टेल हिम टू गो देयर, अभी तक आपने जो पढ़ा था, मैंने फर्स्ट शो आपने बताया था बिगनिंग में, वो टेल हिम था, तो इसका आप कैसे बनाते थे, लेट हिम बी टोल्ड, तो बना दिया ना लेट हिम बी टोल्ड, इसमें कुछ भी नहीं है। और इंफिनिटिव ऐसी की ऐसी, यानी कि जो उसका बचा हुआ पार्ट है टू से, एज इट इज लग जाएगा, टू गो देयर। इन
आपको लग रहा होगा ये तो हम कभी यूज ही नहीं करते, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा हम यूज तो करते हैं. शो मी योर टीथ, टैलेंट टू गो देयर. तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड टू गो देयर. देखिए, अच्छा दोनों में आपने क्या चीज कॉमन देखी, ये चीज. ये सब में शुरू से यूज होती आई है, जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसमें भी यूज हो रही थी, ये इसमें भी यूज हो रही है. बस क्या चेंज कर दिया था हमने, इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव केस था इसको हाइड करके बाद में टू के बाद हम दिखा देंगे. कुछ भी नहीं है यहां तक, तो आप खुद ही बनाइए, यहां पर तक आप खुद बना लोगे. ठीक है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, शो योर टीथ, लेट योर टीथ बी शोन. बस बचा हुआ पार्ट यहां पर करके टू के साथ नी का यूज हो जाएगा केस का. इसमें अगर इतना बड़ा यूज हो रहा है, टू यूज हो रहा है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इतने की बना लो. बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हर में आपको मिलेगा इंपेरेटिव में, हर में. टेल हिम, लेट हिम बी टोल्ड, ये तो हम बना ही लेते हैं, तो उसके आगे फिर बचा ही क्या है, एज इट इज लिख देना है. अब ऐसे सेंटेंसेस जो खुद ही लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी तक इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप पैसिव वॉइस में लेट लगाते थे, लेकिन आपको एक्टिव वॉइस में लेट नहीं मिलता था. लेकिन इंपेरेटिव के कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं. अब आप पूछोगे ये कहाँ यूज होते हैं, ये तो बहुत यूज होते हैं आपकी डेली लाइफ में, आप एक्टिव वॉइस में इन्हें बहुत यूज करते हो. लेट अस प्ले, लेट हिम गो, लेट मी डू माई वर्क, प्लीज लेट मी प्ले, इस टाइप से हम यूज करते हैं. समझ आ रही है अब तो. देखिए लेट इसके बाद, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव केस जरूर लगा होता है, जिसकी मतलब था लेट मी गो, लेट अस डू, लेट्स डू द पार्टी. ठीक है, और इसके बाद बी वन ऑब्जेक्ट. एक चीज आप देख रहे होंगे, ये बी वन ऑब्जेक्ट, बी वन ऑब्जेक्ट, ये बी वन ऑब्जेक्ट, ये हर में आपका कॉमन आ रहा है. इसके बाद इसमें क्या होगा, लेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी थ्री. देखिए कोई भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस ले लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस का, सब में स्टार्टिंग ऐसी ही हुई है, सब में ऐसी ही हुई है, बस थोड़ा थोड़ा बाद में कुछ ऐड हो गया या चेंज हो गया. अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करते, इसमें हमने टू ऐड किया था, इसमें बाय का यूज करके केस लगाना है, इसमें टू का यूज करके केस लगा दिया था, इसमें बाय का यूज करके केस लगाना है, यानी कि ये बाय शो कर रहा है कि ये लेट वाला सेंटेंस है. लेट वाले सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कब यूज होता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, पढ़ने दो, खाने दो, पीने दो, ये काम करने दो, वहां पर हम लेट का यूज करते हैं, जहां पर हम दो का वर्ड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट हिम लर्न द लेसन, उसे लेसन लर्न करने दो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ ये छोड़िए और केवल देखिए लर्न द लेसन. हाँ ये तो बहुत इजी बन गया, ये तो हम शुरू से पढ़ चुके हैं, ओपन द डोर, उससे ही कंपेयर कर लो. तो क्या होगा, लेट द लेसन डोर बी ओपन, ऐसी कर तो लेट द लेसन बी लर्न, बस. और मैंने क्या कहा, लेट वालों में बाय का यूज करके इसके पास जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बचा हुआ, जो वो ऐसी की ऐसी लगा देते, कुछ भी नहीं है. लेट द लेसन बी लर्न बाय हिम, लेट अस डिस्कस द टॉपिक. अब इसमें भी वही हो जाएगा, लेट अस डिस्कस द टॉपिक, डिस्कस द टॉपिक, हाँ इसका तो हम जानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेट द टॉपिक भी डिस्कस, फटाफट कर दिया. अब कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें लेट है, तो बाय का यूज करके जो उसके पास केस है वो ऐसी की ऐसी लगा देंगे. लेट द टॉपिक भी डिस्कस बाय अस, हो गए आपके, कुछ भी नहीं था. चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिस इंट्रोजेटिव वर्ब होते हैं. वैसे तो पैसिव वॉइस में इंट्रोजेटिव वर्ब का मैं पहले बता चुकी हूँ नहीं बनता है, लेकिन इंपेरेटिव में ऐसा हो जाता है क्योंकि इसमें जो वर्ड होता है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इट इज सजेस्टेड, तो हम बना सकते हैं इसका. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे. देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंट्रोजेटिव वर्ब, इससे पहले इंट्रोजेटिव वर्ब में क्या शो हो रहा है. ठीक है, उससे पहले मैं अभी तक ट्रांजिटिव वर्ब बता रही थी. जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसमें कहीं भी आपको वो दिख रहा है ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हम कैसे बनाएंगे स्टैंड अप, मतलब मैं कमांड ले रही, कोई मैं ऑर्डर दे रहा, जैसे टीचर देती है, टीचर क्या देती है, हमेशा ऑर्डर ही देती है, ऑर्डर देती है. तो उसका हम कैसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, या होता है स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि स्टैंड अप हम किससे कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हम किसी से कुछ कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच, सीट पर खड़े हो जाओ. अब बेंच तो खड़ी होगी नहीं, तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन द बेंच. तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें हमारे पास लेट का यूज करके नहीं बन सकता, क्योंकि लेट वाले में तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. तो जैसे ऑब्जेक्ट में शट द डोर,
लेट द डोर बी शट और यू आर ऑर्डर टू शट द डोर. इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते थे ट्रांजिटिव वर्ब में, या तो लेट का यूज करके बनाओ या यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू. लेकिन इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज टू, सजेशन, इस टाइप से ही हमारा रह जाता है. इसमें हम लेट का यूज करके नहीं बना सकते क्योंकि लेट में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. ठीक है, अब डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मत करो, तो क्या हो गया इसमें, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें कोई एडवाइस कर रहा है. अगर आप इसे ऑर्डर के तरीके से लेना चाहते हैं, अगर इसमें लिख रहा है कि ऑर्डर देते हुए इसे बनाइए, तो आप बनाओगे यू आर ऑर्डर नॉट टू ड्रिंक. लेकिन जनरली कहता है डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक. जनरली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक मत करो, ये गलत है. तो जनरली क्या होता है इसमें, हम एडवाइस देते हैं, यू आर एडवाइज नॉट टू ड्रिंक, एक सजेशन दे रहे हैं अपना. तो सजेशन दे रहे हैं ना, तो इसका पता कैसे भी बनाया जा सकता है, सजेशन से भी इसका बनाया जा सकता है. कैसे, इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड नॉट ड्रिंक, सजेस्ट किया जाता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए. ये एक तरह से कंप्लीट ऑर्डर नहीं होता, जो सजेशन होता है ना वो बीच का हो जाता है, उसमें एडवाइस भी, उसमें कंप्लीट ऑर्डर भी नहीं होता कि ये सजेस्ट किया जाता है. मैं आपको कोई चीज सजेस्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आप उसे करें ही करें, है ना. लेकिन ऑर्डर मतलब मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, स्ट्रिक्टनेस आ गई कि ये आपको करना ही करना है. सजेशन जब भी मैं कभी दे रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से तो ऑर्डर करके दे रही हूँ आपको, लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं होता. सजेशन दे रही हूँ भी आपको मानना है तो मानो, लेकिन मेरा तो सजेशन यही आपको करना चाहिए. तो इसके दो तरीके हो जाते हैं, जब भी किसी में हमें सजेशन हो रहा हो, या तो यू आर एडवाइस नॉट टू ड्रिंक एडवाइस, या फिर हम इसमें सजेशन की तरह भी बना सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट. इसके बाद मॉडल में जो यूज होता था बिल्कुल वैसी बना देते शुड का यूज करते हुए, सजेशन में हमेशा शुड यूज होता है, दैट यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें नहीं पीना चाहिए. अब इसमें यू कौन से आएगा, क्योंकि मैं किसी से कहूंगी तो यू में हाइड रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया यू शुड नॉट ड्रिंक. ठीक है, अब नेक्स्ट प्लीज हेल्प, इसमें भी कुछ नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, या प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें मैंने यहां लिखा है इंट्रांसिटिव वर्ब के भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं. अच्छा, अब एक लेट वाला देख लीजिए, लेट में अगर अस का यूज हो रहा है ना, तो उसका हम इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट. कैसे, लेट अस डांस, इससे क्या शुरू है, हमें डांस करना चाहिए या हम डांस करते हैं, तो मैं एक सजेस्ट कर रही हूँ, कोई मेरे साथ है, मैं किसी पार्टी में गई हूँ, वहां पर डांस कर रहे हैं, 3-4 ग्रुप्स हमारा सर्कल है, तो मैं किसी से क्या कह रही हूँ, क्यों ना हम डांस करें, हे लेट अस डांस, हे गर्ल्स लेट अस डांस, हमें डांस करना चाहिए. तो उसको मैं पैसिव वॉइस में कैसे बोलूंगी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस. अब इसमें बी का यूज कहां से हुआ, मैंने तो ऊपर यू का यूज बताया था, क्योंकि अस, अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, बी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, यू नहीं कर सकते, यू शुड डन, मैं किसी से कह नहीं रही हूँ, अस में मेरी आ गई ना, अस मतलब हम, ए हमें डांस करना चाहिए, लेट अस डांस, तो वी शुड डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस. ये कम यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको हर तरह से इसलिए बता दिया क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे भी आ सकता है. ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये 8 सेंटेंसेस दिए हैं, इसके आप खुद बनाएंगे, पैसिव वॉइस मैं नहीं बनाऊंगी. स्टूडेंट्स, अब मेरी वीडियो को पॉज करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस आप नोट करिए, खुद बनाने हैं, फिर चेक कीजिए अपनी मिस्टेक, या कुछ नहीं आ पाया है तो उसमें से आप करिए. देखिए, एक इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के एक से ज्यादा मेथड होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जैसा मैं आपको यहाँ बताती हुई जा रही हूँ. तो आप कंफ्यूज मत हुए, एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जो भी ऑप्शन दिखे उसको आप टिक कर दीजिए. जैसे 4 है, उसमें से आपको कोई एक सही लग रहा है, ठीक है, जैसे लेट वाले से भी सही हो सकता है, वो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड से भी सही हो सकता है, इट इज सजेस्टेड अगर एडवाइस दी गई इससे भी सही हो सकता है. तो आप देखिए पहले कंपेयर करके कौन सा उसके पॉज सही बैठ रहा है. प्लीज साइन दिस लेटर, अब इसका प्लीज है, इसमें तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या यूज कर देंगे, रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्ट ही हो रहा है, प्लीज लग गया रिक्वेस्टेड, You are requested to sign this. मैं बोलती भी जा रही हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, this letter. अब you are requested to sign this letter.
लेट हिम ईट द फूड, उसे खाना खाने दो। लेट वाला आ गया, लेट का देखिए मैंने क्या कहा था, यहां से पहले ये छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए लेट हिम छोड़ के, ईट द फूड इसका सबको आता है, इसका मैंने बताया है ठीक है। तो उसका क्या बनेगा, लेट, लेट से स्टार्ट करते थे ना, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट द फूड, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेट द फूड, फिर बी का यूज करते थे, लेट द फूड बी, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट की, ईटिंग, लेट द फूड बी ईटिंग। फिर मैंने इसमें क्या बताया था, लेट वाले में बाय का यूज करते हुए हम एज इट इज जो उसमें केस बना है उसको लिख देते थे। देखिए ऐसे करके सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया है, लेट द फूड बी ईटन बाय हिम, बस इसमें कुछ भी नहीं था। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें इंफिनिटिव वाला आ गया, अरे बाप रे ये इतना बड़ा कैसे, ये भी मैंने बताया इंफिनिटिव वाला। सबसे पहले मैंने ये हटा दिया, सिर्फ मैं किसको देखूंगी, राइट अ लेटर को। मैं आपको बिल्कुल वे बता रही हूँ कैसे इजी आपको सॉल्व हो जाएगा। राइट अ लेटर, तो सबसे पहले बी वन प्लस ऑब्जेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अ लेटर, फिर आ जाएगा बी, और राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, लेट द लेटर बी रिटन। फिर मैंने क्या बताया था, टू से एज इट इज लिख देते हैं, लेटर लेटर बी रिटन टू योर, यही बताया था सिस्टर, यही बताया था, हो गया इजी। जिस तरह से मैं बता रही हूं बस वैसे ही फॉलो कीजिए। डू नॉट सेंड योर सर्वेंट देयर, अच्छा डू नॉट, अभी ये नेगेटिव भी मैंने बताया, नॉट सबसे पहले इसको बिना नेगेटिव के बनाइए, सेंड योर सर्वेंट देयर इसका तो बना लोगे ठीक है। मैं आपको बहुत इजी प्रोसेस बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले सेंड योर सर्वेंट देयर, लेट योर सर्वेंट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेट योर सर्वेंट बी सेंट देयर, ये हो गया इसका अफर्मेटिव। अब इसमें नेगेटिव कहां लगाते थे ये भी मैंने आपको बताया था, लेट योर सर्वेंट नॉट, बी से पहले नॉट लगता था तो कहां लगा देंगे, इधर। ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का, एक संग सब चीज देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेट योर सर्वेंट नॉट बी सेंट देयर। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्टर्ब द चाइल्ड, ये भी एक लेट वाला से ही कर लेते हैं, तो लेट द चाइल्ड इसका मैं डायरेक्ट कर दू, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर प्लस बी, लेट द चाइल्ड, लेकिन नॉट है तो मैं नॉट भी लगा देती हूँ, बी से पहले नॉट लगता है, अभी भी जस्ट ऊपर किया, बिल्कुल ऐसा ही है, लेट द चाइल्ड नॉट बी डिस्टर्ब। अगर आपको एग्जाम में लिखा आता है कि ऑर्डर के तरीके से, फोर ऑप्शन, अगर मैं ऑर्डर के तरीके से बनाना चाहती हूँ क्योंकि ऑर्डर भी हो सकता है, तो कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब द चाइल्ड, टू से पहले नॉट लगा देंगे, अगर लेट से बनाएंगे तो बी से पहले नॉट लगा देंगे, लेट द चाइल्ड नॉट बी डिस्टर्ब। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज लिखी, ये वाला सेंटेंस जरूर देखिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मैं टीचर होते हुए भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो बस बना दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन अब इसमें यहाँ पर क्या लग गया, मैंने आपको ये भी बताया था जब हमारा वर्ब लग रहा हो और ऑब्जेक्ट के बीच में केस लग रहा हो तो क्या बनाते हैं हम, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे भूल जाइए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का मैं बता चुकी हूँ, तो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। देखिए मैं तरीका बता रही हूँ, एक सन सब लेके मत चलिए, अभी आप अगर बिगिनर हो तो ऐसे करिए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, और मैंने क्या बताया था जब बीच में केस लगता है तो टू का यूज करके उस केस को लगा देते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पर चीज आ गई, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी, लेट अस, इस टाइप से आपके आ गए, क्यों, क्योंकि ये लेटस है, गो है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई ना, और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर ट्रांजिटिव होती यहाँ पर कोई वर्ब होती तो मैं ऐसे बनाती, लेट ऑब्जेक्ट का यूज करती हूँ, बाय अस इस टाइप से बनाती थी, मैंने बताया भी था जैसे लेट अस डिस्कस द टॉपिक, लेट द टॉपिक बी डिस्कस्ड बाय अस, लेकिन यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और मैंने अभी रब भी नहीं किया है, कैसे करना है जब भी लेट के साथ अस लगा हो
और इंट्रांसिटिव वर्ब हो, मतलब ऑब्जेक्ट ना हो उसमें, तो हम मान लेते हैं हमें सजेशन दिया गया है और उसको हम बनाते हैं लेट अस गो देयर, जैसे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड. जब लेट के साथ अस का यूज हो इंट्रांसिटिव वर्ब में तो कैसे बनाते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट शुड, मॉडल वर्ब वाला यूज कर लेते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस. तो क्या कर लेंगे, वी शुड गो देयर. तो इधर मैंने हर टाइप के आपको एग्जांपल दे दिए है रिवीजन के लिए. आई होप आपने चीटिंग नहीं करी होगी, चेक कर लिया होगा. ये मैं एक्सरसाइज इसलिए ही करवा रही हूँ, हर पैसिव वॉइस की मैं करवाती हूँ एक्सरसाइज, हर टेंसेस में मैंने करवाई है. अगर आप एज इट इज ऐसे देख के लिख लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो तो आप कर ही आ रहे हो. ये इसलिए कि आपने सब पढ़ लिया है, सब आपको समझ आ गया है, सारे कॉन्सेप्ट प्रूफ आपको लर्न हो गए, समझ आ गए, स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हो. तो ये आप खुद ही सॉल्व कीजिए. जैसे क्लास में टेस्ट लेती है ना टीचर की, चैप्टर पढ़ा रही है अब इसका टेस्ट है, तो उसमें आपको कॉपी खोलने के लिए आपको खुद फिर टीचर चेक करती है आपने कितना सही किया, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देती है. तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आपको मार्क्स दीजिए. सपोज 5 सेंटेंस सही है तो आपके नंबर आएंगे 5 out of 8. इस टाइप से मार्क्स दीजिए. और जो गलत आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको पनिशमेंट नहीं दे रहा कुछ भी. आप दोबारा मेरी वीडियो में देखिए कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी, इसकी जगह मुझे क्या है. तो यकीन मानिए आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेंगे. ये मेरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाने का ये इसलिए करवाती हूँ, और किसी में नहीं. अगर आप नहीं करेंगे एज इट इज तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप वहीं रहे हो. ये एज अ टेस्ट, क्लास टेस्ट की तरह मान. तो स्टूडेंट कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो इंपेरेटिव सेंटेंस का, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. अभी तक कोई भी मेरी वीडियो में डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिए. एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अब तो मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और वीडियो. वी मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.